आदेश आदेश आदेश। इस सप्ताह की बात करें तो 22 तारीख को दुर्गा अष्टमी है। मां दुर्गा का पूजन करना, अर्चन करना, इस माह की दुर्गा अष्टमी और ध्यान करना, अभिषेक करना, ये इसकी प्रक्रिया होती है। 22 तारीख को ही वर्ल्ड डे ऑफ वाटर। अपने शरीर में 70% यानी 70% पानी होता है, ऐसे धरती पर भी 70% पानी है, मगर सब पानी उपयोग में आए ऐसा नहीं है। तो जो पानी हम जल स्त्रोत्र है वो कम हो रहे हैं, जो उपयोग करने लायक पानी है, क्योंकि समुद्र का पानी होता है, दूसरा पानी होता है, मगर ये पानी जो होता है, ये जो पानी की बात होती है वो उपयोग मानव जीवन के या जीवन कल्याण के लिए उपयोग में आए ऐसी पानी की बात कर रहे हैं। वो पानी का साल संभाल रखना बहुत जरूरी है और कई क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां पे पानी की बूंद भी नहीं होती है, कई किलोमीटर दूर जाके लोग पानी लाते हैं और वो बहुत ही कठिन प्रक्रिया होती है। 1993 से ये तय किया गया कि ये दिन मनाया जाएगा जिस दिन पानी संग्रह, जमीन के पानी का स्तर कैसे ऊपर लाया जाए इसकी, और पानी का संयम पूर्ण उपयोग लोगों को सिखाया जाए। ऐसा तो मेरा लेक्चर है वाटर नाम का, YouTube पे आप सर्च कर सकते हो, उसमें मिलेगा। तो ये एक दफे सुनना, आपको पता चल जाएगा पानी ही जीवन है, इसको संभालना, इसको संभल संयमपूर्ण उपयोग करना बहुत जरूरी है। उसी दिन 22 तारीख को ही बिहार डे है, बिहार दिवस। वेस्ट बंगाल में से बिहार को अलग किया गया 1912 में, और वो दिन जो मुकरर किया गया था वो 22 मार्च थी, इसलिए इस दिन को बिहार दिवस बोला जाता है, बिहार की बर्थडे है। बिहार का विकास हो, बिहार की जनता को अभिनंदन। और ये एक अलग ही संस्कृति का दिवस है, प्रदेश है जहां भोजपुरी जैसी भाषाएं चलती है और एक इनकी रहन सहन भी प्रक्रिया अलग है। सब बिहार की जनता को बिहार दिवस की शुभकामना। 23 तारीख को अमला एकादशी है, एकादशी को विष्णु का पूजन, ध्यान, अर्चन, गौ माता का पूजन, ये सब कार्य होता है। 23 तारीख को ही वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे है, यानी विश्व आबोहवाई दिवस। हमारे वातावरण कैसा होगा, बारिश होगी नहीं होगी, धूप कैसी गिरेगी, ठंड कैसी होगी, कितनी होगी, बर्फ वर्षा होगी कि नहीं, ये सब का अभ्यास करने वाले लोग, ये बहुत जरूरी है, इसकी महत्वता बहुत है। और ये एक अलग ही डिपार्टमेंट है जो आबोहवाई प्रक्रिया जल से थल तक, बादल का आवन जावन, हवा की लहर, सुनामी, ऐसी सब बातों को ख्याल रखती है और चेतावनी देती है कि ये दिनों में थंडरस्टॉर्म आएगा कि यानी बहुत बारिश होगी कि ये होगा। तो ये एक सावचेती स्वरूप और ये बहुत अहम जरूरी बात है इनके मान में, ये इनके साथ जुड़े हुए लोगों के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ में 24 तारीख की बात करें तो उस दिन वर्ल्ड टीबी डे है, क्षय रोग दिवस। 15 लाख से ज्यादा लोग हर साल क्षय में मरते हैं, टीबी में मरते हैं।
एक टाइम था हिंदुस्तान में भी बहुत लोग मरते थे, आज सने सने उसकी संख्या बहुत कम हो गई टीबी के कारण मरने वाले की, क्योंकि सब सरकार की 1983-84 से एक अलग ही प्रक्रिया खड़ी हुई और इनके प्रति जागरूकता डॉट नाम की गोली, ये सब एक अलग व्यवस्था, टीबी वाले को एक अलग मुआवजा दिया जाता है अच्छा खाने के लिए, क्योंकि ये ज्यादातर अलग प्रकार का रोग है और फेफड़ों में कफ जमा हो जाने के कारण होता है ये टीबी का रोग। कई जगह पे अभी भी ज्यादा मात्रा में, अफ्रीका है ये और इससे जुड़ी हुई कंट्रीज में ये तकलीफें हैं। अपनी सेहत का सबको ख्याल रखना है, अभी कोरोना फट चुका है और वो बचने के लिए, इसके इस कारणों से बचने के लिए जो जो व्यवस्था सरकार ने बोली है उसकी गाइडलाइन का अनुभव कीजिए और इसको वैक्सीनेशन करना जरूरी है। हम सबको जो जो प्रक्रिया बताई गई है सरकार की, जो गाइडलाइंस आती है, इसका अमल करें वो जरूरी है। 27 तारीख को जैनों की चौमासी चौदस है और उसी दिन वर्ल्ड थिएटर डे है, 1961 से मनाया जाता है रंगमंच दिवस, विश्व रंगमंच दिवस। रंगमंच की बात करें तो हिंदुस्तान में लोक नृत्य, लोक नाटिका या वेदों में लिखा गया, पुराणों में लिखा गया, गांधर्व विद्या इसको बोलते हैं, यह रंगमंच की प्रक्रिया है। रंगमंच हम सब प्राणी इस जीवन में एक रोल अदा करते हैं। कोई किसी का बेटा होता है, कोई किसी का गुरु होता है, कोई किसी का शिष्य होता है, कोई किसी का भाई होता है, कोई किसी का बहन होती है, कोई किसी की माँ होती है, कोई किसी की पत्नी होती है, कोई वही पात्र एक ही होता है, समझ लो पात्र अनेक प्रकार के हम बजाते हैं, करते हैं और अपना वेश अदा करते हैं। वो रंगमंच एक क्षणिक बात है, मगर ये जीवन के रंगमंच में अपना पात्र बखूबी निभाते हैं, वहां कोई एक्टिंग की प्रयोगशाला की जरूरत नहीं है। रंगमंच से जुड़े सब कलाकारों को मेरी ओर से शुभकामना। साथ साथ बात करें 28 तारीख को, तो 28 तारीख को तो पूर्णिमा है। पूर्णिमा, ये पूर्णिमा होलिका दहन का है, होलिका है, होली प्रगटाई जाती है, प्रहलाद और होलिका की बात, और प्रहलाद और होलिका के मद्देनजर करते हुए धर्म और अधर्म की बात समझाई गई। उसी दिन चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय के, इनकी भी जन्म जयंती है। चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म 1486 में हुआ था और वो शांत हो गए, ब्रह्मलीन हो गए 1534 में। आज चैतन्य महाप्रभु जी की बात करें तो वो इतने लीन हो जाते थे कि वो प्रभु के अंदर समा जाते थे, ऐसा बोलते थे। ऐसे महाविभूतियों को वंदन। पुष्टिमार्गीय संप्रदाय, विष्णु संप्रदाय और ये सब संप्रदाय वाले चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत खूबी से पढ़ते हैं, जानते हैं, बहुत इनकी काव्य पद और चौपाइया दोहे है। ऐसे वैष्णव संप्रदाय को मेरी ओर से शुभकामना है और ये चैनल आप तक पहुंच रहा है, ये चैनल लगातार आप तक पहुंचने की कोशिश करता है। बस
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई बातें हैं। इसको लाइक करिए, इसको शेयर करिए, और इसके बाजू में आई हुई घंटी को, सब्सक्राइब के बाजू में आई घंटी को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ये चैनल पे वीडियो पोस्ट करें आप तक पहुंच जाए। बहुत जरूरी है, आपका सहकार ही हमारी सफलता है। आप सबके जीवन में धन्यता बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ में अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।